हे गाइस, मैं उत्तम। और गाइस, आज मैं आया था पायरिस बेकरी। कंफ्यूज मत होना, ये पेरिस बेकरी नहीं है, पायरिस बेकरी है। सो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीज़ में। आज इसका पहला दिन था, आज मैं गया था तो बहुत कुछ चीज़ें हुए गाइस। आज बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो अभी तो वैसे बारिश हो रहा है गाइस, तो बाकी यह वीडियो मैं घर जाके बनाता हूँ और आपको विस्तार में कंप्लीट वीडियो बताऊंगा गाइस क्या आज मेरे साथ हुआ। गाइस, आप इस वीडियो एक फीडबैक की तरह लो, एक कस्टमर जो आज मैंने आज फील किया। आज ग्रैंड ओपनिंग था पेरिस बेकरी का और मैं गया था, और जैसे मैं अंदर घुसा ना, मुझे एंट्रेंस बहुत ही अच्छा लगा। उसका जो फ्रंट था बहुत अच्छा था। मैं अंदर की तरफ गया और मैं अपने सीट में बैठा, और जैसे ही बैठा था जस्ट मेरे दो टेबल के आगे एक वेटर अपना क्लियरेंस करता टेबल। और फर्स्ट लुक में ही गाइस वो लिटरली एक ग्लास के अंदर ही अपना हाथ ऐसे डाल दिया गाइस, चार पांच ग्लास को एक ही बार में अपने सभी फिंगर्स को अपने पानी के अंदर ही डाल दिया ग्लास के अंदर। गाइस मैं तो देख के मैं दिमाग सटक गया कि ये क्या है। फिर उसके जस्ट उसके दो मिनट के अंदर मुझे पानी मिल गया। मैंने पानी बिल्कुल भी टच नहीं किया गाइस, मुझे इतना अनहाइजीनिक लगा। मैं चलो ठीक है, लेट इट बी, एक कॉम्प्रोमाइज तो नहीं पीना, देख ली चीज़ अब नहीं पिएगा, ठीक है। और मेनू की तरफ चलते हैं और देखते देखते मेनू मुझे बहुत ही लिमिटेड लगा और प्राइस रेट चलेगा, बट मैंने जैसा सोचा था उस तरह का खाना आया नहीं। सो गाइज, मैंने तो पहले सबसे पहले एक चॉकलेट पेस्ट्री आज ना ऑर्डर किया। इतू सा पेस्ट्री था गाइज, इतू सा सिंगल लेयर। उसका कॉस्ट था गाइस 50 रुपीज। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, आपको बारीपता में कई अलग का कैफे मिल जाएगा जहां पर आपको 30-35 रुपीज में भी उससे बड़ा ट्रिपल लेयर वाले भी पेस्ट्री आपको मिल जाएगा गाइस, उससे बड़ा साइज में। तो मुझे कहीं ना कहीं चीज इतना मन नहीं लगा, अरे यार 50 रुपए दे रहा हूँ, इतना छोटा पीस मुझे मिला, इट्स फाइन। फिर मैंने मेनू देखा, फिर मैंने ऑर्डर किया। मैंने भाई हॉट डॉग नहीं अवेलेबल नहीं है, पिज्जा में क्या क्या है। और पिज्जा भी रेट था आपका 100 रुपए, 120, 160, 180 रुपए, 160 रुपए तक था आपका पिज्जा उनका था। बट उनके पिज्जा में था क्या, एक एक इंग्रेडिएंट को लेके उनका कॉस्टिंग है। कहीं पर टोमेटो है, कहीं पर टोमेटो नहीं है, कहीं पर कैप्सिकम है, कहीं पर कैप्सिकम नहीं है, कहीं एल्पिनो और ओलिव है, कहीं एल्पिनो ओलिव नहीं है। एक एक इंग्रेडिएंट के लिए उनका 20-15 रुपए ऐसे इंक्रीज होते जा रहे, अप टू 160 तक उनका पिज्जा का प्राइस था। मैंने वेटर को पूछा, भाई पिज्जा का साइज कितना है, ऊपर नहीं पता, आपको फ्रंट में पूछना पड़ेगा, ये क्या बात है भाई, तू वेटर है, तुझे पता होना चाहिए खाने के बारे में। मैंने ठीक है फाइन, हॉट डॉग है, नहीं हॉट डॉग नहीं है, पिज्जा में क्या क्या अवेलेबल है, बोल भाई तीन इंग्रेडिएंट है। मैंने भाई बोला, आज भाई आपका पहला दिन है, आपका मेनू रेडी नहीं है और आप आधे ही मेनू में आज रनिंग कर रहे हो। मैंने बोला आज पहला दिन है, पहला दिन में ही तो आपको अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, आपका चीज़ें ही नहीं है अवेलेबल। मैं ठीक है बोला, ठीक है भाई बर्गर लाओ। और वहां पर तो उनका तीन ऑप्शन था, वेज, चीज एंड सिग्नेचर। तो मैंने पूछा ना भाई, ना वेज बर्गर, वेज पैटी मिलेगा आपको। मैंने ये क्या बात है, वो चीज़ में बस चीज़ ही होगा। मैं अरे बाप रे, बस चीज़, चीज़ वाला कैसे खाऊं मैं। बोला ठीक है आपका सिग्नेचर में ही वेज ही रहेगा, सब कुछ रहता है। मैं ठीक है सिग्नेचर मंगवा, बोला 15 मिनट में आएगा, इट टेक्स ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स। 15 मिनट बोल के भाई इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है फाइन। फिर मैंने ना बर्गर लाया, लिटरली गाइस बर्गर इतू सा था, उसके अंदर एक टमाटो, एक अनियन, एक कुकुम्बर और चीज था, चीज स्लाइस उन्होंने दिया था। उन्होंने उसको कन्वेंशन में नहीं डाला था गाइस, उसको उन्होंने ग्रिल मार दिया था बर्गर के ऊपर, वो लाइन आ गए थे ग्रिल जैसा होते है, ग्रिलर में डालने से बर्गर का जैसा साइज होता उस तरह का था गाइस। मैं बोला अरे यार, और टिक्की इतना सा था, छोटा सा था, ठीक है। जब मेन लेवल को पता हो, जो आलू चॉप होता है, आलू चॉप को बस अब स्मैश कर दो, उतना साइज हो जाएगा, ठीक है। उतना बड़ा टिक्की भी नहीं था उनका, मैंने उसके लिए 95 दिया। अगर मैं एक ओलिव था और ओलिव और एलोपिनो था, वो ओलिपिनो को भी उन्होंने, एक एलोपिनो को भी उसने 1/2 कर लिया था उन्होंने। तो मैंने वही बोला उनको, भाई अगर एक सिग्नेचर बर्गर दे रहे हो आपके अंदर, यहाँ पर कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। और बर्गर, हाँ फर्स्ट जो बर्गर को उन्होंने रैप किया था बटर पेपर से, उन्होंने बटर पेपर इतना डाल दिया था, उसको खोलने में टाइम चला गया, इतना इरिटेटेड फील हुआ। मेनली हम बर्गर देते एक साइड में, हम बटर पेपर से पकड़ के हम खा पाए, उन्होंने कंप्लीट उसको रैप कर दिया था बटर पेपर से।
मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने बोला अगर आपका एक सिग्नेचर बर्गर हमने ट्राई करे, कुछ सिग्नेचर वाला फील होना चाहिए, आपका कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब क्या था, आपका एक यूनिकनेस जो किसके पास भी ऐसा ना हो। बट इस बर्गर में मुझे कुछ यूनिक लगा ही नहीं गाइस। मैंने उसके लिए मुझे 95 रुपीज़ पेड करना पड़ा। मुझे लगा सिग्नेचर बर्गर ऑब्वियसली आई थिंक मे बी है ना फ्राइज दे सकते हैं। फिर मैंने सोचा ठीक है 95 के हिसाब से वो फ्राइज नहीं देते, बट आप फ्राइज ना दो डजेंट मैटर। अगर आप सिग्नेचर आप बोल रहे हो तो सिग्नेचर वाली बात भी होना चाहिए गाइस। आप एग्री हो क्या नहीं गाइस? और मोस्ट ऑफ द गाइस आज आप को बहुत लोगों को खराब लगा होगा जो भी आज पैरिस बेकरी गया होगा, एक चीज उन्होंने बहुत नोटिस किया होगा। ऑनर ने आज अपने पर्सनल उन्होंने अपना पर्सनल उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वाइट किया था। मैं और मेरे फ्रेंड बैठे थे एक टेबल में, 4 कवर वाला नट टेबल है, जैसे यहाँ पर दो उस तरफ दो सामने फ्रंट की तरफ दो बैठ सकते हैं एक टेबल में, 4 जन बैठ सकते हैं। उनके 2 रिलेटिव बैठे थे, उन 2 रिलेटिव में उनके लिए स्पेशल प्लेट आया जहां पर उन्होंने एक पेस्ट्री डाला था, एक उनके पास मसाला पीनट्स थे, केशियो थे जो काजू है सॉल्टेड काजू मसाला काजू, फिर उन्होंने कुकी डाला था और डेजर्ट आइटम था, प्लस उन्होंने वहां पर एक ग्रिल सैंडविच दिया था। बट आज हम भी आए अपने तरफ से, आज क्योंकि ओपनिंग दिन है, बट हमको वो चीज नहीं मिला गाइस। अगर आप ऐसे दे रहे हो, अगर आप आपके फैमिली मेंबर को भी इनवाइट करो, उनको पैकेट सिस्टम कर दो भाई। हमारे सामने आप दो दो कस्टमर, आपने दो दो गेस्ट को आपने खुद से प्लेट दे और हम पैसा देके खा रहे, बट हमको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में चीज वो चीज मिला नहीं। अगर आप दे रहे हो उसको आप पैकिंग करके अपना पर्सनली लो। हमारे सामने आप खाने के लिए दे रहे हो, हम पैसा देके खा रहे हैं, हमको वो चीज नहीं मिला। वहां पर आपके कस्टमर आपके ना जो फैमिली मेंबर्स है वो फ्री में बैठ के खा रहे हैं, इतने सारी चीजें कुकी फुकी सब कुछ था उसके अंदर गाइस। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत पार्शियलिटी लगा, अरे यार पैसा देके खा रहे हैं, फ्री में बैठ के खा रहे हैं। आज तो वैसे ओपनिंग इनको भी कुछ देना चाहिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री, बट नहीं गाइस। ओनर वो ओनर कस्टमर लोगों को नहीं देख रहा, वो अपने खाली फैमिली मेंबर को बस वो सर्विस दे रहे। एक बार भी उसने यहाँ पर मुड़ के पूछा नहीं आप खाना कैसा लगा। हमारे सामने ही अपने कस्टमर लोगों को खाने देने में वो बिजी है, बट खुद के कस्टमर को पूछ रहा नहीं है आपको खाना कैसा लगा। सो गाइज इतना खराब लगा और इतना गंदा वाला फील हुआ गाइज, मन किया एक वीडियो बनाऊं, बट इस वीडियो में मुझे माफ करना, मेरे पास वैसे कुछ मैं आपको दिखाने के लिए सब कुछ है ही नहीं, मैं जब कुछ शो कर पाऊं। बट मुझे पता है आज बहुत लोग गए हैं आज पैरिस बेकरी में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पक्का मेरे साथ आप एग्री हो गए। अगर आपको वैसा फील हुआ पक्का मुझे आप है ना कमेंट करना, मैं ये चीज झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर जो भी ये चीज फील किया पक्का आप मुझे कमेंट करना, एक ट्रू एक आपका तरफ से होना चाहिए गाइस। और गाइस हुआ कर तब ठीक है, मैं बिलिंग करने के लिए मैं ठीक है एक 140 रुपीज बिल हुआ मेरा, ओके फाइन दो चीज का मैं 140 रुपीज हुआ ठीक है मैं गया। मेरा आपके पास फोन पे कुछ होगा, मैं कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं है, ओके फाइन। एटीएम कार्ड से मैं कर सकता, मेरे पास कैश कम था तो मेरे पास था उतना रुपए था मेरे पास, बट मेरे पास कैश नहीं, सोचा मैं एटीएम से भी स्क्रैच कर लेता हूँ, नहीं होगा। आपके पहला दिन है आपके पास कुछ वैसा मोड ऑफ पेमेंट के लिए कुछ चीजें आप अवेलेबल नहीं रखे हो, आप बस कैश में बिजनेस कर रहे हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल गाइस? मतलब तो नहीं है सबको इतना पैसा लेके आते हो गए ना, अगर कोई ज्यादा फैमिली मेंबर वाला आया उसका 500-1000 रुपए का बिल हुआ उसके पास इतना कैश नहीं, वो एटीएम कार्ड सोचा हुआ है। सभी जगह में तो आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, कार्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हुआ, इतना बड़ा उन्होंने कैफे खोला है, बट नहीं गाइस अनप्लैंड कुछ पता नहीं है ना वेटर क्या काम करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे प्रेजेंटेशन इतना थर्ड क्लास गाइस, जहां पर वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री उनके फैमिली है ना वालों को इतना अच्छा अच्छा प्लेट में दे रहे हैं ना, क्वालिटी प्लेट में उनको फ्री का खाना दे रहे हैं, हम पैसा देखे हमको 5 रुपए 5 वाला एक प्लेट दे रहे हैं, 5 रुपए प्लेट। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कोरोना चल रहा है तो डिस्पोजल प्लेट्स ये सब यूज करो भाई, अगर उनको तुम इतना क्वालिटी वाला दे सकते हो हम पैसा देके खा रहे हैं तो हमको क्वालिटी वाला एक कुछ दो डिस्पोजल प्लेट्स दो, बट नहीं गाइस। सो गाइस इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ, ये मेरा पर्सनल है ना एक फीडबैक था, ये चीज को पर्सनली मत लेना जो भी है ना पैरिस बेकरी को जो भी ओनर देख रहे, बट ये चीज आज मुझे बहुत ही खराब लगा, दैट्स व्हाई ये मैं शेयर किया आज गाइस। और जो भी मेरे साथ एग्री है तो प्लीज आप कमेंट करके भी लिख सकते हो, और ये सच बात मैं अगर बोल दे रहा हूँ, अगर इस तरह का रनिंग हुआ भाई साहब आपका कैफे नहीं चलेगा। बारे पता बहुत सारे कैफे आए, बहुत सारे कैफे चले गए, इस तरह का अगर सर्विस दोगे, इस तरह का अगर बिहेवियर करोगे, इस तरह का अगर पार्शियलिटी करोगे, आपका ये
कैफे नहीं चलने वाला, इम्प्रूवमेंट कर लो, टाइम है, ठीक चलेगा। अगर नहीं करोगे भाई साहब, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, ये नहीं चलने वाला। ठीक है, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस, और प्लीज डू कमेंट्स, और मिलते विद न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।